गणेश मंदिर टेकड़ी में मंगलवार 10 जनवरी को तिल चतुर्थी धूमधाम से मनाई जाएगी। पौष माह में मंगलवार को आने वाले संकष्टी चतुर्थी पर अंगारक का योग बन रहा है, जिसके कारण इसका विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान गणेश ने अंगारका नामक राक्षस का वध इसी दिन किया था। यह योग पूरे साल में विरले बनता है। इस दिन भक्त की हर मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसे में हजारों की संख्या में भक्त विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा अर्चना करने आते हैं। भक्तों की भीड़ के मद्देनजर मंदिर कमेटी ने व्यापक प्रबंध किए हैं। कमेटी के सचिव श्रीराम कुलकर्णी ने शनिवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान बताया कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो, इसके लिए प्रवेश द्वार पर ही पूजा सामग्री के स्टॉल लगाए गए हैं। सब भाविकों को एसबी कुलकर्णी सचिव टेकड़ी गणेश मंदिर का प्रणाम। अपेक्षा है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मंदिर में पधारेंगे और बापा का दर्शन करके आशीर्वाद लेंगे, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। आपका दर्शन सुलभ हो, इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां करके रखी है। आप जरूर आइए, धन्यवाद। व्यवस्था तो इनके लिए सबके लिए स्वतंत्र मार्ग बने हुए हैं, यहाँ तक कि विकलांगों को, वरिष्ठ नागरिक और जो मान्यवर है समाज में, इन सबके लिए अलग अलग बिल्कुल व्यवस्था की हमने। स्वतंत्र वीआईपी रेलिंग खोला हुआ है, मार्ग खुला हुआ है और सब चीज़ तो व्यवस्था अलग है ही। ज़्यादा से ज़्यादा समय लोगों को कम से कम समय में दर्शन हो, इसके लिए हमने उनके हाथ केवल प्रणाम करके आशीर्वाद पाने के लिए खुले रखे हैं, इसलिए कि हम लोग प्रवेश द्वार पर ही उनकी पूजा की सामग्री स्वीकार करके उनको प्रवेश करवाते हैं। और आखिरी में निकलते समय उनको प्रसाद देकर विदा कर। दिव्यांगों, गर्भवती महिलाओं और चलने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए स्टेशन और मानस नगर से 4 ई रिक्शा निःशुल्क चलाए जाएंगे। इन लोगों के अलावा अन्य शहर के गणमान्य लोगों को वीआईपी रास्ते से दर्शन करने की सुविधा भी प्रदान कराई जाएगी। इसके अलावा 2 एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। मंदिर परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाकर पूरी व्यवस्था पर पैनी नजर रखी जाएगी। भक्तों के लिए 750 किलो रेवड़ी के प्रसाद का वितरण किया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज, नागपुर।